आज भाजपा की राज्यसभा की उम्मीदवारों की घोषणा अभी हुई है और मुझे खुशी है कि आज भाजपा के इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर स्थान मिला है। उम्मीदवारी देकर इस चुनाव में मुझे उतारा गया है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के श्री जेपी नड्डा जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष श्री बावनकुड़े जी, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को तुरंत उन्होंने एक ताकत देने के हिसाब से, काम करवाने के हिसाब से मुझे राज्यसभा में उन्होंने मुझे मौका काम करने का यहाँ पर इरादा उनका घोषित किया है। और मैं भी मेरी तरफ से जो भी अनुभव आज मुझे है राज्य के प्रशासन में, मैं पहले भी सांसद रह चुका हूँ लोकसभा में 2 बार, उसका पूरा फायदा भाजपा को और खास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में, हाउस में उठाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भाजपा की आज है, कल भी रहेगी, और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। इसलिए मैं सभी श्रेष्ठी जो भाजपा की उनका आभार व्यक्त करता हूं।